व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं रियलमी के डिवाइस के बारे में। जी हां, रियलमी GT नियो 2 लॉन्च होने वाला है। नियो 1 लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छा फ़ोन था। अब यहां पर दोस्तों जल्द ही लॉन्च होगा इंडिया में GT नियो 2, ये कन्फर्मेशन आया है खुद कंपनी की CEO की तरफ से। और इसमें जो लॉन्च डेट है वो भी रिवील हो चुकी है, स्पेसिफिकेशन जिसके पूरे आउट हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। इसमें 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है ना वो देखने के लिए मिल सकती है। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले फीचर जो है ना वो सब एंगल से एकदम ज़बरदस्त है। बात करूँगा दोस्तों मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें से 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा। वहीं पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर गाइस देखिए, बहुत ज़बरदस्त बात लगी है मुझे। सबसे पहली चीज़ तो ये कैमरे में कि 64 मेगापिक्सल का है। साथ ही में जो दूसरी चीज़ लगी है कि इसमें डेप्थ सेंसर नहीं है, या तो डेप्थ सेंसर या तो मैक्रो सेंसर हटा के अल्ट्रा वाइड देना चाहिए, और कंपनी ने अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है विच इज़ वेरी गुड। और साथ ही में जो 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर मिल रहा है वो भी एकदम ज़बरदस्त है। आज के टाइम पे ज़्यादातर कंपनी ऐसा करती है कि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं देती इवन मिड रेंज सेगमेंट में भी, और सिर्फ मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर देके जो है ना अपना वो पीछा छोड़ा लेती है। लेकिन यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों फाइनली अब मैं हार्डवेयर फीचर्स के बारे में, तो हार्डवेयर के हिसाब से भी एकदम ज़बरदस्त है। इसमें स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, 5G प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें। 7nm की चिपसेट पे दोस्तों ये प्रोसेसर है, 650 एड्रिनो GPU है इसका, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस कितना ज़बरदस्त होगा। अगर बात करूँगा वेरियंट्स के बारे में, तो इसमें 2 रैम वेरियंट मिल जाते हैं, 8GB रैम और 12GB रैम, और साथ ही में इसमें 2 इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट आ जाते हैं, 128GB एंड 256GB। और तीसरी दोस्तों बात यह है कि 7GB तक का रैम जो है आप इंटरनल स्टोरेज से इसमें एक्सटेंड कर सकते हो, विच मीन्स अ वर्चुअल रैम। जी हाँ, वर्चुअल रैम इसमें आप 7GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। अब दोस्तों बच जाता है सिर्फ बैटरी एंड सॉफ्टवेयर, तो इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको आप 65W की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो, विच इज़ रियली एन अमेजिंग थिंग। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूंगा अगर मैं इसके फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो कंपनी ने ऐसा कहा है कि इसमें मतलब 0 to 100% होने में 36 मिनट्स लगते हैं सिर्फ। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल बिल्कुल डाउन है और उसको 100% तक मतलब फुल चार्ज होने में सिर्फ 36 मिनट्स लगते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। साथ ही में इसमें एंड्रॉयड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी मिल रही है 5000mAh की, वो भी एकदम ज़बरदस्त है। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राइस और लॉन्च के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल ट्वीट है कंपनी के CEO का, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि 13th of October को इसका लॉन्च होगा। मतलब चाइना में ऑलरेडी तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब जो लॉन्च होगा वो इंडिया में लॉन्च होगा, और उसके बाद में फिर सारे स्पेसिफिकेशंस इसके रिवील हो जाएंगे। वैसे स्पेसिफिकेशंस तो ऑब्वियसली रिवील हो चुके हैं, उसके बारे में आपको सब बताया हूँ, लेकिन खास तौर से इसका प्राइस भी जो ना वो रिवील हो जाएगा। तो उसी तरीके से बस जो वर्चुअल लॉन्च इवेंट होता है कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पर तकरीबन 12:30 बजे जो है ना लॉन्च इवेंट होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके इसका लॉन्च इवेंट देख सकते हो। बात करूँगा दोस्तों अगर प्राइस के बारे में, देखिए अभी तक कुछ ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि इसका प्राइस कितना होगा। अगर हम देखेंगे चाइना के बारे में, तो चाइना में जिस प्राइस में लॉन्च होता है, अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में, तो अराउंड 28,000 होता है। तो यहाँ पर गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च होगा, मतलब अराउंड 25,000 के करीब जो है ना दोस्तों इसका लॉन्च हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो भी 8GB रैम वाले वेरिएंट का, जो कि एकदम अमेजिंग है। मतलब 25,000 में 8GB रैम, 870 प्रोसेसर, डिस्प्ले भी इतना ज़बरदस्त, मतलब हर चीज़ एकदम सही है। मतलब ये बोलूँगा कि ये जो डिवाइस है वो ऐसा डिवाइस है जहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, रैम, हार्डवेयर, मतलब सारी चीज़ें जो है दोस्तों एकदम ज़बरदस्त मिलती है। तो जो प्राइस में ये लॉन्च होगा वो प्राइस वर्थ है दोस्तों इस डिवाइस के लिए, मतलब जस्टिफाइड है प्राइस। तो यहीं तक था दोस्तों वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।